एक कंबल भी ले आना। चाय के साथ बिस्कुट मंगाते हैं, कंबल कौन मंगाता है? अरे बुखार चढ़ी है मुझे। अरे कल तो ठीक थे तुम, पुताई के लिए दीवार में भी चढ़े थे। इसीलिए दिन भर सीढ़ी में मैं चढ़ा रहा और रात में बुखार मुझ में चढ़ गई। ठीक है फिर, आराम करो आज। फिर दिवाली की पुताई कौन करेगा? कोई जल्दी नहीं पुताई की, अगर कल बुखार उतर जाए तो सीढ़ी पे तुम चढ़ जाना। अच्छा, लेकिन अगर बुखार कल नहीं उतरा तो? उतर जाएगा, मैं तुमको देसी पिला दूंगी। हैं? देसी पिला दूंगी? ठीक है, लेकिन बुखार तो चढ़ा ही है, कहीं देसी भी ना चढ़ जाए। अरे मैं देसी दवाई की बात कर रही हूँ, देसी दारू की नहीं। अरे तो फुल फॉर्म बोला करो, देसी पिला दूंगी बोलोगी तो कोई भी दारू ही समझेगा। अच्छा वो कैसे? अरे तुम कैटरीना बोलोगी तो कोई भी कैटरीना कैफ समझेगा, कैटरीना कुमारी थोड़ी सोचेगा। हाँ तो मैं देसी दवाई की बात कर रही थी। ठीक है ले आओ, तो शायद आराम लग जाए। क्या हो रहा है, सुबह से पुताई शुरू कर दी क्या? अरे नहीं मनोज जी, आज तबीयत सही नहीं है इनकी। क्या हो गया, कल तो तबीयत सही थी आपकी। हाँ कल सही थी लेकिन आज गलत है। चलो आप दोनों बातचीत करो, मैं दवाई बना के लाती हूँ। दवाई बना के लाती हूँ? घर में दाल चावल के साथ साथ पैरासिटामोल बनती है क्या? अरे नहीं। क्या अरे नहीं मनोज जी, लोगों की बीवियां तो बस बाहर का खाना खाने नहीं देती, मेरी तो लगता है मुझे बाहर की दवाई भी नहीं खाने देगी। अच्छा तो जाओ दिखा लो डॉक्टर को। मजाक कर रहा था मैं। मत करो, चुपचाप आराम करो अभी। मनोज जी आपको एक शायरी सुनाओ। हाँ हाँ इरशाद इरशाद। तो सुनिए कि उठा के चलते हैं पूरी जिंदगी का भार, एक तो है बुखार ऊपर से बीवी भी खूंखार। वाह वाह क्या शायरी है। और बताइए भूरी जी कब तक आएंगी मायके से? दिवाली के आसपास आएगी वो तो। उनके बिना घर में सोना तो नहीं लगता आप? लो पियो। इतनी जल्दी बन गई देसी दवाई, मुझे लगा घंटे दो घंटे लगेंगे। दो घंटे में तो अमृत बना दूं मैं। वैसे इसमें डाला क्या क्या है? काली मिर्च, सौंठ, अजवाइन, हल्की सी हल्दी, सरसों के कुछ दाने, शहद, गुड़। एक मिनट, पूरा किराने का सामान डाल दिया है क्या? पियोगे ना तो दो घंटे में अंतर समझ में आ जाएगा तुम्हें। अंतर दिखने की जगह कहीं अंत ना दिख जाए। फालतू बकवास मत करो। क्या बकवास मत करो, डर लगता है भाई। कुछ नहीं होगा विक्रम जी, देसी सबसे अच्छी होती है। हाँ तो देसी तो अच्छी होती होगी, तभी तो लोग इतना पीते हैं, जब तक जीते हैं। अरे दवाई दवाई देसी दवाई। तुम्हें बड़ा उत्साह मिलता है देसी सुनते ही, कहीं पीते तो नहीं हो? अरे नहीं, देसी हो अंग्रेजी हो उर्दू हो कुछ हो, मैं नहीं पीता भाई, नुकसान करती है। हाँ तो लो इसे तो पियो। आप पियो, मैं मुंह धो के आता हूँ। पड़े पड़े कुछ ठीक नहीं होता। अरे कैसे बताऊं, जिसकी बनाई सब्जी भी दवाई जैसी लगती है, उसकी बनाई दवाई कैसी लगेगी? बुदबुदाओ मत, मैंने इतनी मेहनत करके बनाया है, एक सांस में पी जाओ। पी तो जाऊं एक सांस में, लेकिन कहीं वो एक ही सांस ना हो। पूरे मोहल्ले में दिवाली की साफ सफाई शुरू हो गई है, इसी तरह बीमार पड़े रहोगे तो हमारे घर की सफाई पुताई कब होगी? इस कमरे की कर दी थी ना कल, धीरे धीरे हो जाएगा सब। करवा चौथ भी आ रहा है, मैं सोच रही थी उससे पहले घर साफ हो जाता। करवा चौथ आ रहा,
और क्या, 1 तारीख को है, शॉपिंग बची है पूरी। करवा चौथ आ रहा है, पता है बुखार नहीं है मुझे, तुम्हारी शॉपिंग के लक्षण हैं। फिर तो देसी दवाई से नहीं ठीक होंगे। पी ली दवाई। अरे कहाँ पी रहे हैं, बहाने बनाने में लगे हैं। पी लो भैया, सेहत अच्छी रहेगी तभी सब अच्छा लगता है। नहीं, मुझे तो ऐश्वर्या राय हमेशा अच्छी लगती है। मनोज जी, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। हाँ बताइए ना भाभी जी। मदद छोड़ो, हद में रहो, समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रही हो। अब जब अपनी मर्जी से नहीं पियोगे तो यही ना करूंगी। भूरी जी घर में नहीं है तो मनोज जी का हाल जानती हो, हल्की हल्की बुखार है, इन्हें दबा के बैठे हैं। सच मनोज जी? अरे नहीं, मैं दबा के नहीं बैठा। हाँ शायद आपकी टीवी का रिमोट दबा है, ये लीजिए। नेहा मुझसे कह रहे थे कि अंदर अंदर बुखार रहती है। हाँ किराए में कमरा लिया है बुखार ने। नेहा तुम दो इनको, मेरे लिए दूसरा बना देना। लीजिए मनोज जी पीजिए, नहीं तो भूरी जी को फोन लगा दूंगी। हाँ फिर वो 1 महीने की जगह 1 दिन में आ जाएंगे। एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, यही समझ लीजिए। ठीक है लीजिए कुआ, नहीं तो खाई को बुलाऊं।